आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर कई सारे सेगमेंट के अंदर बाइक स्कूटर अवेलेबल है। तो इसमें से एक सेगमेंट है 125 सीसी सेगमेंट, जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि माइलेज भी अच्छा देती हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छा दे देती हैं और जो कि फीचर भी अच्छे मिल जाते हैं इसके अंदर। तो अब ऐसे में बहुत सारे लोग सोचते हैं भैया पेट्रोल महंगा हो रखा है, इस वजह से 125 सीसी बाइक ले लेते हैं जो कि माइलेज भी अच्छा दें और रेस भी अच्छा दें, मतलब स्पीड भी अच्छी दें, बाकी चीज़ें भी अच्छी मिल जाए, पैसा बच जाए अल्टीमेटली, क्योंकि आजकल माइलेज मायने रखता है, बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए तो अगर आप लोग भी कोई 125 सीसी सेगमेंट की कोई बाइक देखने की प्लानिंग करे थे, मतलब लेने की प्लानिंग करे थे, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी बाइकें बताऊंगा जो बेस्ट है इस सेगमेंट के अंदर आज की डेट में, और इनमें से आप कोई सी कंसिडर कर सकते हो अगर आप लोगों को लेनी है तो, क्योंकि ये काफ़ी स्पोर्टी वाली फील भी देती है। कुछ एक बाइक तो इसके अंदर ऐसी भी है, क्योंकि जो मैंने लिस्ट नहीं, उसमें एक आधी बाइक ऐसी डाल दी ताकि जो यूथ है उसको भी पसंद आ जाए ये लिस्ट। इसीलिए और भैया वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाल बटन दबा देना बिंदास, बड़ा नेता वाले अधिकार हो जाएंगे आपके कि वोट मांग लोगे, काम नहीं करोगे और वही आप इन्फॉर्मेशन ले लोगे, सपोर्ट नहीं करोगे। इसीलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पहली बाइक है वो है होंडा सीबी शाइन। 125 सीसी सेगमेंट के अंदर पहला नाम आता है होंडा सीबी शाइन का। इस बाइक ने अप्रैल 2022 के अंदर 1,00,000 यूनिट का जो सेल की जो माइलस्टोन है वो हासिल कर लिया है, और होंडा सीबी शाइन की जो ईयरली ग्रोथ है सेल के मामले में वो 32.7% की है। इस बाइक के अंदर आपको 124.7 सीसी का एक दमदार इंजन मिल जाता है, जो कि 7,500 आरपीएम पे 10.1 बीएचपी का पावर देता है और 5,500 आरपीएम पे 10.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं ब्रेकिंग सिस्टम के लिए शाइन के अंदर ड्रम ब्रेक और सी ब्रेक दिए गए हैं। इसकी जो प्राइस है स्टार्टिंग वो 72,700 रुपये है, जो कि शोरूम प्राइस है, और सी बी शाइन 4 कलर में अवेलेबल होती है। तो जो अगली बाइक है वह है बजाज पल्सर। बजाज पल्सर इंडिया के अंदर दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली और दूसरी सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाली बाइक है। इस बाइक के अंदर आपको 124.4 सीसी का SOSC 2-valve इंजन मिल जाता है, जो कि एयर कूल्ड और DTSI इंजन होता है। इसके अंदर आपको 5-speed गियरबॉक्स मिल जाते हैं। फीचर के रूप में इस बाइक के अंदर हाई ग्लॉस मेटेलिक पेंट, पेरीमीटर फ्रेम, अलॉय व्हील, इन्फिनिटी ट्विन स्ट्रिप LED लैम्प, स्पोर्टी स्प्लिट ग्रैब हैंडल के साथ सिग्नेचर वुल्फ आई हेडलैम्प मिल जाते हैं। तो जो अगली बाइक है वह है हीरो स्प्लेंडर। अगर 125 सीसी सेगमेंट की बात की जाए और हीरो स्प्लेंडर की बात नहीं की जाए तो काफ़ी नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये बाइक काफ़ी पॉपुलर बाइक है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसका हाल ही में कंपनी ने STC वेरिएंट लॉन्च किया है, मतलब स्प्लेंडर प्लस STC वेरिएंट, जिसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिटेलिंग वीडियो बनाई कि कंपनी क्या कह रही है, क्या इसके अंदर नए फीचर डाल रहे हैं। तो बात करते हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस STC की। तो जो नई बाइक लॉन्च की कंपनी ने, उसका जो इंजन है वो 8,000 rpm पे 7.9 bhp का पावर देता है और 6,000 rpm पे 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस यूनिट के साथ आपको 4-speed गियरबॉक्स मिल जाते हैं। अगर मैं कीमत की बात करूँ स्प्लेंडर प्लस XTC की, तो इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो होती है 72,900 से, जो कि शोरूम प्राइस है। इस बाइक पे कंपनी 5 साल की वारंटी भी दे रही है। तो जो अगली बाइक है वो है हीरो ग्लैमर। हीरो ग्लैमर चौथी ऐसी बाइक है जिसे इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। हालांकि सेल की बात करें तो अप्रैल के अंदर इसकी 20,796 यूनिट बिकी हैं। इस बाइक के अंदर आपको 125 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि SS प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टेड इंजन होता है, जो कि 10.7 bhp का पावर देता है और 10.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यहीं इसमें साइड स्टैंड विजुअल इंडिकेटर सेगमेंट में पहला साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिला था। इसकी जो प्राइस है वो 75,800 से स्टार्ट होती है। तो जो अगली बाइक है वह TVS राइडर। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर है TVS राइडर, क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुई है और काफ़ी अच्छी बाइक है, लोगों को काफ़ी अच्छी पसंद भी आ रही है, और 125 सीसी सेगमेंट में आई है तो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एडवांस फीचर के साथ। इस बाइक के अंदर आपको 124.8 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि 11.2 bhp का पावर देता है और 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये बाइक 5.7 सेकंड के अंदर 0-60 की स्पीड पकड़ लेती है। वहीं 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 67 किलोमीटर की आपको माली देने की कैपेसिटी रखती है। कीमत की बात करें तो TVS कंपनी ने हाल ही के अंदर अपने TVS राइडर का प्राइस बढ़ाए हैं, जो कि अब हो गई है 90,989 रुपये। तो ये जो पाँचों बाइक है 125 सीसी सेगमेंट के अंदर आती हैं और काफ़ी अच्छी फीचर के साथ आती हैं और सारी की सारी लेटेस्ट आ चुकी हैं, क्योंकि कंपनी ने सबके लेटेस्ट मॉडल लॉन्च कर दिए। तो अगर आप लोग लेनी है तो आप लोग इनमें से कौन सी भी कंसिडर कर सकते हो जो आपके बजट में आ रही हो और आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही हो। और अगर आप लोग कोई सी भी ले रहे हो, कोई सी भी, मेरे को जरूर टैग करना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे भी कर सकते हो, और टिंडर पे तो नहीं करना, टिंडर पे नहीं करना, बाकी कहीं भी कर सकते हो। और बाकी अगर आप लोगों को बाइक कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी, मेटी लगी तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।